कांग्रेस के दो दिवसीय चिंतन शिविर का हुआ आगाज। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में आज से दो दिन का कांग्रेस का चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। नाम दिया गया है नव संकल्प शिविर। इस कार्यक्रम को कांग्रेस की जो राष्ट्रीय महासचिव है प्रियंका गांधी, वो इसमें मौजूद रहेंगी और अगले दो दिन वो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय में बैठ के अपने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के बीच में मंथन करेंगी कि आखिर कांग्रेस की दशा कैसे सुधारी जा सकती है उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर बात करें इस जो अधिवेशन है, जो कांग्रेस का शिविर है, इसमें प्रधान जो लोग बुलाए गए हैं उनमें खासकर जितने भी जिले हैं उनके जो जिलाध्यक्ष हैं, नगर अध्यक्ष हैं, वो सब इसमें मौजूद रहेंगे। इसके अलावा 2019 और 2022 में जिनको पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया था, उन सबको भी इस शिविर में बुलाया गया है। शिविर के मकसद साफ तौर पर निकाय चुनाव कहीं ना कहीं कांग्रेस के दिमाग में है, जिसको लेकर अभी से रणनीति बनाने और चर्चा करने की तैयारी है। इसके अलावा जब से प्रदेश के उत्तर प्रदेश चुनाव संपन्न हुआ है और कांग्रेस को एक करारी हार का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद प्रदेश की जो कमेटी थी उसको भंग कर दिया गया था, उसके लिए भी कवायद होगी कि किसको प्रदेश की कमान सौंपी जाए, किसको यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, इस पर भी कहीं ना कहीं चिंतन जरूर होगा, ताकि आगामी जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उसको लेकर सांगठनिक तौर पे कांग्रेस को बल दिया जा सके और लोगों के बीच मजबूती से जाया जा सके। कैमरा पर्सन सलीम के साथ अमित पाठक, MH1 न्यूज, लखनऊ। केंद्र सरकार के 8 साल का कार्यकाल पूर्ण होने पर बीते कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला पहुंचे और यहां पर भाजपा कहीं ना कहीं उन्हें देखकर गदगद थी। और साथ ही साथ बात की जाए हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा पूरी तरह से तैयार है, वहीं प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर जहाँ एक ओर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए, वहीं बात करें आम आदमी पार्टी की तो उन्होंने भी साफ तौर पर ये कहा है कि केवल चुनावी वर्ष है। कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीदें थी कि प्रधानमंत्री राजधानी शिमला आए हैं, हिमाचल प्रदेश के लिए कोई विशेष पैकेज की बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश 75,000 करोड़ के कर्ज में है तो कहीं ना कहीं कर्ज से राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बिन मांगे सब कुछ मिला है। नरेंद्र मोदी जी ने भी यही कहा, हिमाचल प्रदेश के साथ मेरा गहरा नाता है, दूसरा घर मैं इसे मानता हूँ, कभी भी यहाँ हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। परियोजनाएं कई दी हैं, अटल टनल भी जो है वो मोदी जी की ही देन है, उनका ये मानना है, लेकिन कांग्रेस ने कई सवाल खड़े किए। साथ ही साथ बात की जाए जिस तरह से आम आदमी पार्टी लगातार सवाल उठा रही है, निश्चित तौर पे जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं दोनों पक्ष जो हैं वो सरकार को घेरने का प्रयत्न कर रहे हैं। जहां एक ओर कांग्रेस ये कह रही है कि कांग्रेस की वापसी होगी, वहीं आम आदमी कह रही है कि आम आदमी यहां पर बाजी मारेगी, लेकिन भाजपा का साफ तौर पर यही कहना है कि जिस तरह से 4 राज्यों में भाजपा ने मिशन रिपीट को सक्सेस किया है, हिमाचल प्रदेश भी उसी ओर बढ़ रहा है। देखना यह होगा कि आने वाले समय में आखिर जीत किसकी होती है, ये तो भविष्य के गर्व में ही छुपा है। मैं अपने सहयोगी पुष्पिंदर चौधरी के साथ सुनील परमार, MHN प्राइम, शिमला।